तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमेशा इतना प्यारा वेलकम देते हो मुझे. तुम्हारी पोएम भी अच्छी थी. इससे पहले आई रिमेम्बर मनमर्जियाँ के लिए आई थी मैं लास्ट टाइम यहाँ पे एज रूमी, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट आप लोगों ने किस तरह का रिसेप्शन दिया था मुझे. आई रिमेम्बर आनंद सर एंड एवरी वन वॉज बैक स्टेज आस्किंग मी, तूने पैसे दिए क्या इन लोगों को. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर सच एन अमेजिंग रिसेप्शन एंड वेलकम यू गिव मी एवरी टाइम. थैंक यू सो मच. सो आई एम बैक अगेन विद माई नेक्स्ट फिल्म. It's releasing on 8th of March. Thank you. So 8th of March, Badla, it will be a really happy Women's Day from me to all the beautiful girls out there and the men who are going to make that day special for all their beautiful better halves or mothers or sisters or whoever and me. Okay? So all of you have to do that favor for me on 8th of March. Will you do it or no, please? Thank you so much. अच्छा तापसी अभी हफ्ते भर पहले हमारे स्टूडियो आई थी और तापसी ने हमें एक लाइन बोली थी वहाँ पे कि इनको ऐसा लगता है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता. तापसी ने बोला कि इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग ज़्यादा है. ऐसा है क्या? अच्छा अभी एक बार सिर्फ लड़के बोलेंगे. दादा इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए प्लीज. एक बार सिर्फ लड़के बोलेंगे भाई, इज्जत रख लेना. तापसी के सिर्फ मेल फैन फॉलोअर्स एक बार जोरदार शोर मचाए. थैंक यू गाइस, यू मेक मी फील ब्यूटीफुल. थैंक यू. ओह आई लव यू टू. तो अभी एक बार बदला का ट्रेलर प्ले करते हैं, उसके बाद तापसी और मैं फिर से स्टेज पे आएंगे. प्लीज ढंग से देखना बिकॉज यू नेवर नो उसके बाद क्या होने वाला है. तो एक बार ध्यान से जरा ट्रेलर देखना एंड फिर देखते हैं क्या करते हैं. चलो पहले ट्रेलर देखते हैं. तो सबसे पहले किसको कॉल लगाया जाएगा, वकील साहब को या बच्चन साहब को? मैं एक बात बताऊं, वैसे मैंने भी ठीक ठाक काम कर लिया था मुल्क के अंदर, मैं खुद केस लड़ सकती हूँ अपना. अच्छा अभी बड़े बच्चन साहब के साथ आपने काम किया, इससे जस्ट पहले आपने छोटे बच्चन साहब के साथ काम किया था. जया मैम और ऐश्वर्या बच गई है, वो भी कर लूंगी अभी. उससे पहले आपने फिर बड़े बच्चन साहब के साथ काम किया था पिंक में. तो अभी जब मनमर्जियां जब आप शूट कर रहे थे अभिषेक के साथ में, तो ऐसा नहीं हो गया यार तो देख ज्यादा परेशान मत करना और तेरे पापा को फोन कर दूंगी? नहीं वो इतना ऐसा बच्चा नहीं है, वो थोड़ा सा सुधरा हुआ सा बच्चा है, ऐसे जरूरत नहीं पड़ी मुझे कंप्लेन करने की. हमारे बादल गुप्ता की एक आर्मी है यहाँ पे. मैं अच्छा? बताता हूँ हुआ क्या. आपके आने से पहले एक कॉन्टेस्ट रखा गया था, कॉलेज के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किया. हाँ. और उन्होंने एक रिडल सॉल्व की और टॉप 3 बंदे निकल के आए हैं जो यहाँ पे अभी स्टेज पे आएंगे और फाइनल रिडल में आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे. सो एक बार उन तीनों के नाम मैं ले रहा हूँ, प्लीज एक बार बैक स्टेज आ जाइए. दे आर ऑलरेडी, प्लीज कम ऑन स्टेज. आयुषी अग्रवाल, इशिता अग्रवाल एंड वरुण जाजू. Can I have a few more mics on stage? I don't know what to make of this compliment. This pretty girl out here just said, "You are prettier than what I thought." Thank you so much. I take it as a compliment. But I hope you don't think about me like that again ever. अच्छा अभी कुछ questions हैं जो आपके पास हैं. Yeah, I have few questions for Badal की army since आपने इतने अच्छे riddles solve किए हैं. देखते हैं मेरे questions के answer करते हो कि नहीं, जो कि out of trailer है. जैसे कि मैंने कहा था कि trailer ढंग से देखना क्योंकि कुछ questions तभी आंसर हो पाएंगे अगर आपने ध्यान से ट्रेलर देखा है. सो आर यू रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस? सो फर्स्ट विल गो मिसिंग लेडीज फर्स्ट. अब दोनों है लेडीज, लेडीज बता दो कौन फर्स्ट जाएगा. यू गो फर्स्ट. ओके, व्हाट वाज द मैसेज दैट नैना रिसीव्स ऑन हर फोन? There was a phone in one of the shots where I'm reading a message out. And Mr. Bachchan points out that that in the 3 questions he asked, ki wo message tumhare phone pe aaya kaise. So,
what was that message? यार मर्डर मिस्ट्री है यार, ट्रेलर ढंग से देखना होता है इसके लिए, अभी तक पता नहीं चला आप लोगों को यार. किसी को पता है यहाँ पे? यू नो ही नोस. नॉट बैड, ऑलमोस्ट देयर. एक बार तालियां हो जाए. ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर. आई एम गोइंग टू टेल योर ट्रूथ टू एवरीवन. या आई गॉट या कितने भी पॉइंट है, 10-20 जितने मर्जी है सब दे दो उसको. लेकिन अभी दो क्वेश्चन बाकी हैं. दो बाकी है. वैसे भी तुम तीनों एक टीम में हो तो आई थिंक इट गोज इन द सेम वे. सो नेक्स्ट विल आंसर, लेट मी विल आंसर. व्हाट वाज द मर्डर वेपन? एक और चांस देती हूँ, बताओ तुम्हारे को पता है क्या इसका भी? शेप का था ये, ऐसे आंसर मत दो यार मुझे. शेप क्या? रॉड था, नीचे कुछ बेस था उसके. अरे यार, आई विल आंसर दैट फॉर यू. इट वाज अ शो पीस, टेबल पे रखा हुआ एक शो पीस. ओके चलो. अच्छा अभी एक लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर. Since you guys are from Bartles Army, tell me, since how many years has he not lost a signal case? You want to say this? Yeah, the answer, yeah. 40. ये तो टाइम हो गया यार. जोरदार तालियां हैं जरूर तीनों के लिए. That's not bad at all. That's not. And इससे क्या सीख मिलती है हमारे को? मर्डर मिस्ट्री का ट्रेलर अच्छे से देखना होता है. प्लीज. और अगर पिक्चर देखने जाओगे तो बीच में लेट मी जस्ट वॉर्न यू कि कोई लू ब्रेक करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इट्स सच अ फास्ट फिल्म. इट्स नॉट इवन फॉर 2 hours, इट्स अराउंड लाइक 1 hour 50 minute-ish. एंड आई डोंट थिंक यू विल गेट टाइम टू रेस्ट, रिलैक्स, चेक योर फोन, गो आउट फॉर नेचर्स कॉल और एनी अदर कॉल. नो कॉल्स. यू विल हैव टू सी द फिल्म इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट. और दिमाग घर पर छोड़ के मत आना, ये वो वाली पिक्चर नहीं है. ओके दिमाग लेकर आना, बाकी जो साथ में आ रहे हैं उनको भी बोलना लेकर आए अपना अपना सब दिमाग. ओके, थैंक यू सो मच. इन शॉर्ट तापसी कह रही है कि मूवी शुरू होने से पहले अपने सारे कार्यक्रम निपटा लेना और फिर मूवी देखने बैठना. अच्छा, कह रहा है तो मर्चेंडाइज फॉर ऑल थ्री विनर्स. या प्लीज लेट मी जस्ट. एक बार जोरदार तालियां यार आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए. तो ये वैसे मर्डर मिस्ट्री है पर इस मूवी के गाने में बड़ा अच्छा बस क्रिएट किया है. एक्चुअली यार यू नो इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी आल्सो. जब पिक्चर शूट कर रहे थे तो पता था गाने तो होने ही है, भाई बॉलीवुड की पिक्चर है, गाने तो होते ही हैं उसके अंदर. बट फिर आई वाज लाइक कि चलो शायद ज्यादा एफर्ट लगाएंगे नहीं गाने में, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है कौन सा गाना आ रहा है इस पिक्चर में. एंड देन दे स्टार्टेड शूटिंग सॉन्ग मॉन्टाज, मतलब लिप सिंक नहीं है बट वी वर शूटिंग सीक्वेंसेस फॉर द सॉन्ग. I was like, why such a special effort, such special efforts for a song in this kind of a film? And then I got to hear the song and I was totally surprised. Like I couldn't believe that this kind of a song could be there for a film like this. And then of course I got to know who has composed it, who has sung it. Let's welcome the rock stars of Bollywood music scene, Amal and Arman Malik. Estoy sonado. What's up, Mumbai? What's up, everyone? Okay, अभी ट्रैक बंद हो चुका है, थोड़ी बात कर लेते फिर ट्रैक बजाओ. How you guys doing? मेरी तरह अरमान और अमाल की भी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. अच्छा अमाल, ये जो सॉन्ग है जिसके लिए हमने काफी देर बात की थी और तुम साल भर के ब्रेक के बाद अमाल वापस आए, तो अब इसको बोल दीजिए लंबे लंबे ब्रेक लेना बंद करे लड़का. साल भर के ब्रेक के बाद वो बदला लेने आया है. क्यों रब्बा? अमाल को बोलने दिया तो अभी यहाँ पे बहुत चीजें बाहर निकलने वाली है. क्यों रब्बा, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, तुमने कंपोज किया है
और अरमान ने गाया है, तो इस गाने के बारे में कुमार सर ने लिरिक्स, कुमार सर ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, तो इस गाने के बारे में पहले जरा बताओ और फिर एक बार ये गाना हो जाए। सिंपली कहूंगा कि दिल से बना है एंड यू नो स्टोरी जैसी है, एक कैरेक्टर की एक एम्प्टीनेस एंड यू नो एक बिलीफ कि यू नो कि आई हैड टू अचीव सम ड्रीम्स बट सम थिंग्स जस्ट गॉट मिस्ड आउट, पर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो एक क्वेश्चन है इस गाने में कि इस तरह से मुझे तोड़ा है कि आई कांट इवन फिक्स माय सेल्फ बैक, सो दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट एंड मैं आई थिंक हमें गा के एक्सप्लेन कर देना चाहिए। एक बार हो जाए, क्या बोलते हो जाए? अच्छा ट्रैक चेक कर लो पहले जो मैंने दिया वही वाला कि नहीं। हेलो चेक, कैन यू इंक्रीज द वोकल्स ऑन दिस प्लीज, सॉरी वी नीड टू डू अ साउंड चेक बिफोर वी सिंग। इट वाज गुड प्रतीक, गो डिड अ ग्रेट जॉब। हेलो चेक चेक चेक, कैन यू इंक्रीज द वॉइस, या या दैट्स साउंडिंग गुड। यू गाइस रेडी टू हियर द सॉन्ग? मेक सम मोर नॉइज, कम ऑन। That's more like it. And I'd like to say I'm really happy that I'm here because I'm from NM College. And it's back home. This is where I perform during my college days. Won so many band events. It feels good to be back home. And even my first performance was on this stage right here, JRM Ground. So it's amazing to be back here. Let's go for it. Hit the music. Flashlights on. Everybody, come on. And I want you to wave it with me. Make some noise, come on. Take a seat, it's
सोचा था वो ना हो, दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर, रेत का दिल का नसीब था वो रात, जो सोचा था वो ना हुआ, दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर, रेत का धोखा देख तकदीरें झूठी निकली लकीरें, करूँ किस पे यकीन समझ में आए ना, क्यों पाए से कदर तोड़े आवे, एक टुकड़ा न छोड़े धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा, क्यों पाए से कदर तोड़े आवे, क्या बात है यार, एक बार थोड़ी और तालियां बनती इसके लिए। अच्छा, एक और कॉन्टेस्ट हुआ था आपके कॉलेज में जिसमें वीडियोस अपलोड करने थे और वो भी इसी गाने के, और इस कॉन्टेस्ट की विनर बनी है, कौन बनी है, कौन, स्वाति श्रीकांत। ये जो सॉन्ग है ये इस मूवी के अंदर तापसी की लाइफ दिखा रहा है, तापसी का डायलेमा दिखा रहा है। आपको नहीं लगा तापसी के इस मूवी इस सॉन्ग को एक बार एक फीमेल वॉइस में भी गवाना चाहिए था? नो ऑफेंस टू अरमान, नॉट एट ऑल, ही सांग इट ब्रिलियंटली, नो डाउट्स अबाउट इट, बट ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर आई हर्ड दैट इट बहुत अच्छा है, बट ये तो मेरी लाइफ पे है ना, तो मतलब व्हाई डिडंट वी हैव अ फीमेल सिंगर? वो इसलिए किया क्योंकि लिप सिंक नहीं है ना गाने में, मुझे बोला था आवाज खड़ी होती है तो इस 23 साल के बच्चे हुआ कि नहीं भाई, बाप आ गया, आगे साथ है ना, सम मोर वॉइस प्लीज, उसको आ जाओ, आ गया, सही इंजीनियर वाला सर टाइप लग रहा था, हां प्लीज इनकी वाला सर टाइप लग रहा है, मेरे को पता है इधर फॉर्मेशन का इशू हमेशा होता है, एक को पांच को तो बना सकते हैं, छोड़ी और जा, हाँ विशी जा, अरे कदम रख दिया इंडिया में, पाकिस्तान बॉर्डर में, पाकिस्तानी वो पुलिस वाला वाला आओ ना, आया लेके आया छोड़ने के लिए, अच्छा सौंप रहा अभी आ गया।
Let us sing. Okay, yeah. That's great. Yeah.